नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं जो देश के हर खास आम से जुड़ी हुई है, हर नागरिक से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। जी हाँ, सरकार अब एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने जा रही है। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और आपके आधार कार्ड की तरह ही होगा। जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सब चीजें होती हैं, इसी तरीके से इस कार्ड के अंदर आपकी हेल्थ से जुड़ी डिटेल्स होंगी, यानी आपका पूरा हेल्थ बुलेटिन पूरा इस कार्ड के अंदर होगा। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और इसमें आपका पूरा डेटाबेस होगा। इस कार्ड की फायदा ये होगा कि इसमें आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप किस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, आपका पुराना बीमारियों का क्या कुछ इतिहास रहा है, आपका बीपी, आपका शुगर कितना रहता है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस कार्ड में मेंशन होंगी। तो जब भी आपको कभी इलाज कराना जाना पड़े तो आप इस कार्ड को वहां दिखाकर अपना इलाज करा सकते हैं। जब जैसे ही आप डॉक्टर को ये कार्ड देंगे, इस कार्ड पे आपका एक यूनिक नंबर पड़ा होगा, जैसे ही डॉक्टर उस नंबर को अपने सिस्टम में डालेंगे, वो तुरंत आपकी सारी डिटेल्स, जितनी भी आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स हैं और डिटेल्स हैं, वो सब उनके स्क्रीन पर आ जाएंगी, जिसके बाद उन्हें आपके टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे सीधे आपको इलाज की श्रेणी में भेज दिया जाएगा। यानी आप इधर कार्ड जमा कराइए, उधर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, उसके बाद आप अपना इलाज करा सकते हैं। इसका फायदा ये भी होगा, ये कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से इलाज कराना है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना आधार कार्ड उठाइए, अपना यूनिक आईडी हेल्थ कार्ड उठाइए और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उसके बाद डॉक्टर्स पर छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे आपकी हेल्थ का जो भी चेकअप होगा वो उसमें देख लेंगे और आपको सीधे प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे दवाइयों का। ये कार्ड हर जगह, जितने भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी हेल्थ और मेडिकल सेंटर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हैं, हर जगह ये मान्य होगा और ये आपको एक फ्री इलाज की सुविधा भी देगा। साथ ही साथ अच्छी बात ये होगी कि इसके अंदर आपकी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको कुछ टेस्ट और चेकअप्स की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे जाइए और अपना कार्ड जमा कराइए, इसके अंदर आपका पूरा मेडिकल बुलेटिन होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए अपने नियर्स डियर्स दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजिए, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके, क्योंकि सरकार बहुत जल्द अब इस कार्ड पर काम शुरू करने जा रही है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, ये इसलिए हम आपको खबर में दिखा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।